हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ नॉर्मेलिटी से रिलेटेड भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स पर मिलियन के बारे में चर्चा करने से पहले ही जान लीजिए, एक क्लास 11 स्टैंडर्ड में भी है और क्लास 12 स्टैंडर्ड में भी है। क्लास स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर में और क्लास 12th में सोल्यूशन चैप्टर में है। ये पार्ट्स पर मिलियन जो है ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग यूनिट होती है। ये यूनिट हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब सोल्यूट का अमाउंट जो है बहुत माइनूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अगर सोल्यूट माइनूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट मींस दैट इज कॉल्ड दैट इज दैट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन। यानी एक मिलियन में कितने पार्ट्स कंपोनेंट के प्रेजेंट हैं वही उसका पीपीएम कहलाता है। और पीपीएम ऑफ ए जैसे अगर हमको निकालना है तो पीपीएम ऑफ ए बराबर हो जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^6। अगर इसी को देखिए आप तो हम इसकी सहायता से किसी भी कंपोनेंट का पीपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक चीज और डाल लीजिए कि पीपीएम को हम लोग वेट बाय वेट इट कैन बी एक्सप्रेस वेट बाय वेट यानी परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और आप जो है वी बाय वी के टर्म में परसेंटेज बाय वाई किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी पीपीएम को हम लोग नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय मास, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और यहां पे है वी बाय वी यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कंपोनेंट जो भी लिएगा उसका वॉल्यूम मास जो रहेगा वो वॉल्यूम में के टर्म में रहेगा और टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दीजिए वॉल्यूम के टर्म में रहेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग जो है यहां पे एग्जांपल जो लेने चल रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट करेंगे गैस का वॉल्यूम। तो जो गैस के जिसे एटमॉस्फेरिक जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं वी बाय वी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। हमने क्या कहा जो इस एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको नॉर्मली आप एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एग्जांपल लेते हैं उसी के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे सपोज ए लीटर ऑफ सी वाटर, सपोज ए लीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर की बात कर रहे हैं, लीटर ऑफ सी वाटर जिसका वेट बता रहे हैं Which weight 1030 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। कंटेन्स अबाउट 6 × 10^-3 ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक, ये आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि सपोज करिए ए लीटर ऑफ सी वाटर, एक लीटर आपने लिया
और उसका वेट जो अप्रोक्सीमेट लिया जा रहा है 1030 ग्राम लिया जा रहा है। कंटेन्स अबाउट उसमें इतना ग्राम जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो अगर आप सीधे सीधे आप देखिए यहां मास ऑफ गैस दिया गया है, यहां मास ऑफ गैस दिया गया है और यहां साथ ही साथ आपको वेट ऑफ सोल्यूशन भी दिया है। अगर आप चाहें तो परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज बाय मास निकालना हो तो आपने पढ़ा है मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 या 100 परसेंटेज निकालना है 100। ये मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। मास ऑफ O2 आपको दिया गया 6 × 10⁻³, 6 × 10⁻³। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया 1030 × 100। अगर अप्रोक्सीमेट आप देखिए तो ये आपका सीधे सीधे जो है लगभग आ जाएगा 5. आंसर जो आएगा आपका 5.8 × 10⁻⁴%। ये परसेंटेज बाई मास हो गया, ये परसेंटेज बाई मास इस कंडीशन का हो गया। लेकिन अगर अब हम इसी जो इक्वेशन का इसका परसेंटेज बाई मास को हम लोग अब एक्सप्रेस करें और इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करें जो है पीपीएम, देखिए पीपीएम इसका निकालना है। तो पीपीएम ऑफ अगर ऑक्सीजन का निकालना है आपको तो पीपीएम ऑफ O2 इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट यानी 6 × 10⁻³ और आपका जो आएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया 1030 और × 10⁶ कर दिया। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है 5.8 ppm, 5.8 ppm की वैल्यू आ रही। अब आप जो है इस जो भी इस तरह के अमाउंट होंगे उनको नॉर्मली आप ppm के रेस्पेक्ट में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, पीपीएम के बारे में आप बताया भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और वो क्वेश्चन आपको क्लास 11th में भी दिखाई देगा, क्लास 12th में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिखाई देगा। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन आप जानते हैं, कार्सिनोजेन का मतलब ये होता है कि कैंसर प्रोड्यूसिंग। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास, हमने बताया था ppm को हम लोग बाई परसेंटेज बाई मास से भी दिखाते हैं। और फिर उसके बाद पूछा क्या गया है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसमें जो ये आपको कंटामिनेशन दिया गया है 15 ppm, यही इसी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसे 15 ppm का मतलब हो गया 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 1 million सॉल्यूशन, यानी 15 ppm मींस 15 पार्ट्स यानी कि 15 ग्राम कह लीजिए, 15 पार्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 1 million पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम ऑफ
ग्राम सोल्यूशन में इतना पार्ट या इतना ग्राम जो है क्लोरोफॉर्म का रिजल्ट है। अब आपको मिल गया मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल गया। क्लोरोफॉर्म हो गया, ये हो गया आपका 15 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये हो गया 10^6 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज बाय मास, तो परसेंटेज बाय मास निकालना है तो इसको आप कर सकते हैं परसेंटेज बाय मास बराबर परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये पहला है ये वाला, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म मास ऑफ CHCl3 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है 10^6, ठीक 10^6 दिया गया है। इसी में वैल्यू रख लीजिए आप, अगर वैल्यू रख रहे हैं 15 अपॉन 10^6 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 15 × 10^-4%, ये आपका हो जाएगा परसेंट बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर आप दूसरा देखिए, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, यहां पे मोलैरिटी निकालना। अगर इस चीज को आप देखिए तो आपको मास ऑफ क्लोरोफॉर्म तो मालूम ही है, क्लोरोफॉर्म का मास दिया गया है, और क्लोरोफॉर्म का मास अगर आपको मालूम है तो मोलर मास आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास दिया गया है तो मोलर मास जो होगा ऑफ क्लोरोफॉर्म ये हो जाएगा, आप जानते हैं 12+1 35.5 × 3, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू टोटल करेंगे कितना आ जाएगा भाई, लगभग आ जाएगा 119। ये मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गया। अब आपको मास मिल गया, मोलर मास मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन यानी क्लोरोफॉर्म का जो सोल्यूशन है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे है मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपान मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, और आप इसको कर सकते हैं इंटू मास ऑफ सोल्यूशन। अब चूंकि इन ग्राम है तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू आपको दी गई, मास आप दिया गया 15, अब मोलर मास हो गया 119.5, और मास ऑफ सोल्यूशन हम यहां पे 10^6 ले रहे हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्या चीज, और ये आपका हो जाएगा, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी आपको यहां से मिल जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो 10^6 है यहां पे आपने बताया 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन में डिजॉल्व है, तो ये आप इसको जाने रहिए कि 10^6 ये टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है, इसमें से अगर 15 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आएगी लगभग 10^6, क्योंकि बहुत माइनोर क्वांटिटी है, 1 बिलियन में से 15 को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मास ऑफ सब्सटेंस है और ये मास ऑफ सोल्यूशन है, यानी हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 10^6 ही अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, जिससे आपको सॉल्व करने में भी सुविधा होगी, लगभग आंसर भी वही आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे आपको आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो नॉर्मेलिटी से रिलेटेड है, ये क्लास 11 के स्टैंडर्ड के में नहीं है, फिर भी इसको पढ़िए आप और जानकारी आपको होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। नॉर्मेलिटी होती क्या है तो आइए इसको देखते हैं, ये भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग यूनिट होती है।
नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक लीटर में किसी भी सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वही उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मेलिटी कहलाएगी। और ये डेफिनेशन इसकी होगी। अगर हम इसको लिखना चाहें, फार्मूला इसका लिखना चाहें, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए, अब यहां पे एक टर्म आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का ये सीधा सीधा फार्मूला होता है कि आपने लिया, आपने लिख लिया मोलर मास अपान, आप एसिडिटी कर सकते हैं, बेसिसिटी कर सकते हैं, आप एसिडिटी लिख सकते हैं, बेसिसिटी लिख सकते हैं, या वैलेंसी लिख सकते हैं, वैलेंसी आप लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला। जैसे आपने मोल निकालने का फार्मूला पहले पढ़ा था, तो वहां मोलर मास से डिवाइड करते हैं, अगर उसी सब्सटेंस के मास को हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें तो वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग किसी भी सब्सटेंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एसिड, बेस, साल्ट, एनी कंपाउंड हो, किसी का भी, चाहे कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो, उसमें आप इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसका मोलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी या बैलेंसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप बताते हैं, आपको यह मालूम है, हम लोग उल्टा देखते हैं, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। एसिड की जो है हम लोग क्या देखते हैं, एसिड है तो बेसिसिटी देखते हैं। बेसिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4, आपने सुना होगा अगर H2SO4 को हम लोग डाई बेसिक एसिड कहते हैं, डाई बेसिक एसिड कहते हैं, डाई बेसिक एसिड का मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखिए तो यस, डबल बॉन्ड हो OH और OH, तो यहां पे ये दोनों हाइड्रोजन जो है रिप्लेसेबल हैं। इसका मतलब है कि ये डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा। अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, और ये डाई बेसिक आपने कहा है, तो
तो अगर एसिड है ये आपका तो 98/2, क्योंकि आपने बताया ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, दो डाइएसिड है, ऐसे आपने जाना H2SO4 अगर टूटता है तो आपको मालूम होगा 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, इस तरह से टूटता है H2SO4, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ये 49 आ गया, 49 आ जाएगा। अगर हम HCl ले लें, अगर हम HLO3 ले लें, अगर हम एस्टिक एसिड ले लें, ये सब के सब मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड, एक ही H+ आयन, मतलब कि हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इन सभी के लिए फॉर सच टाइप कंपाउंड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, मोलर मास इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट मास, इस तरह से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। और अगर हम H2SO4 की बात कर रहे हैं तो H2SO4 के लिए फॉर H2SO4 की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का संबंध भी डायरेक्ट निकल के आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 × मोलरिटी, या फॉर डाइवैलेंट एसिड हो, बेस हो या कोई साइड हो, अगर डाइवैलेंट है तो उनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का सीधा सीधा संबंध ये हो जाएगा। और ये सब मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट है तो वहां पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जो सीधा सीधा संबंध आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, यानी दोनों की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सीधा सीधा संबंध, क्योंकि जो उसका मोलर मास होगा वही इक्विवेलेंट मास होगा, तो इस वजह से नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ये सीधा सीधा संबंध आएगा। ठीक है भाई, हमने आपसे बताया था कि इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया था एसिडिटी आदि बेसिसिटी ऑब्लिक वैलेंसी। अब अलग अलग अगर निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट अगर लिखना है तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो ये किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। उसी तरह से अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसी आयनिक कंपाउंड का लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक और एनायनिक पार्ट, जैसे NaCl है ना, Na प्लस Cl माइनस, तो चार्ज देखना है किसी एक का लेना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जानते हैं ऑक्सीडेशन जो शो करता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन शो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इक्विवेलेंट वेट उनका कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट और फिर रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। तो आपको मालूम ही है कि रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर रहे हैं, कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेंट का या रिडक्टेंट का, उससे डिवाइड कर दीजिए तो ऑक्सीडेंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट आ जाएगा। अगर हम लोग बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी का यहाँ पे बेसिक जो आइडिया आपको है, बेसिसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे कहा देखिए मॉलिक्यूल्स हैविंग OH ग्रुप अटैच टू मेटल, यानी बेसिसिटी में OH ग्रुप अटैच होगा किससे, मेटल्स के साथ, वह बेस कहलाता है। और यहाँ पे जैसे NaOH हो गया, NH4OH हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज है जो जानते हैं, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, तो ये सब के सब OH- माइनस यहां से आयनाइज होंगे, तो ये इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, बेसिसिटी 1। ठीक है, और ये सब बेस है। उसी तरह एसिडिटी की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें OH अटैच है मेटल से, इसमें OH अटैच किससे रहेगा, नॉन मेटल से अटैच रहेगा, तो उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। अब कितने जो है OH अटैच है नॉन मेटल से, अभी हमने H2SO4 का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो अगर H2SO4 के स्ट्रक्चर को आपको याद हो तो उसमें आपने सल्फर को सेंटर में रखा था, दो OH से अटैच किया,
दो ओएच अटैच किया था, इस आधार पे आपने इसकी बेसिटी कितनी मानी थी? टू। तो आपने डाई बेसिक एसिड लिया था, लेकिन ये चीज, ये बात जो बेस है ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप इसको काउंट करिए देखिए, तो उससे आइडिया आपको हो जाएगा। हमने कहा ना कि जैसे हम बोरिक एसिड लेते हैं, बोरिक एसिड का फार्मूला अगर आप देखिए H3BO3, ये बोरिक एसिड है। अगर बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को आप देखिए तो BOH, BOH और BOH, आपको मालूम है बोरान नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो OH उससे जुड़े होंगे। बोरान नॉन मेटल है और नॉन मेटल से OH जितने जुड़े रहेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? एसिडिटी कहलाएगी। लेकिन यहां पे इसे आप जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। कैसे लुइस एसिड की तरह? क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं जैसे वाटर से, BOH की अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये BOH का होल 4 ये बन जाएगा और प्लस H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक, तो ये बेसिक करेक्ट क्राइटेरिया इसका दूसरी तरह से बताया जाएगा। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आपका जो है सिंपल लुइस एसिड है। BOH का होल थ्राइज जो है सिंपल लुइस एसिड की तरह यहां पे एक्ट करता है। तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जो है टॉपिक हुआ, तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं और एक आप क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा। मोलैरिटी से बताया है, नॉर्मेलिटी दे लीजिए उसी से। नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखिए इसमें कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ H2SO4 इज 15% H2SO4 बाय वेट, डेंसिटी दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी 1.68, नॉर्मेलिटी 3.36 नॉर्मल, और मोलैरिटी दिया 1.8 m स्मॉल। ये आंसर दिया गया, इसको कैलकुलेट करना। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में जो है बेसिक डिफरेंस सिर्फ यहां मोलर मास लेते हैं, यहां इक्विवेलेंट मास, बाकी दोनों एक ही तरह से लगेगा। और आप इसको निकालने के लिए हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए भी हैं, इसको पीछे देखिएगा उसमें सॉल्व करिएगा क्वेश्चन लगाते हुए आप चलिए। और जो भी चीजें आपको दिक्कत महसूस हो रही है उसको शेयर करिए, उसको बताइए पर्सनली, चाहे आप बताना चाहें, चाहे जो है आप चैनल के माध्यम से ही अपनी बात रखिए, लेकिन चीजों को आप साथ लेकर चलिए। थैंक यू।